दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु के बीच की दूरियाँ होगी खत्म। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है आप भाई अपनी नानी की एकेडमी और नायरा की मेहनत, यानी अक्षरा डांस अकेडमी को उसने म्यूजिक और डांस अकेडमी बना दिया है और उसके लिए कार उसका साथ देते नजर आता है। तो दूसरी तरफ अभिमन्यु और नील दोनों वहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं और अभिमन्यु को बुरा लगता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ रही है और मेरी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। और इसी चक्कर में वो जब पहुँचता है या उसे हर जगह अक्षरा भी नजर आ रही होती है, हॉस्पिटल हो या चाहे कुछ भी हो। अब देखने को मिल रहा है कि दूसरी तरफ हर्षवर्धन यही डिसीजन ले रहा है कि अक्षरा को और अभिमन्यु को अपनी जिंदगी में वापस एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अभिमन्यु इस बात से राजी नहीं होता है। यहाँ तक कि अक्षरा को वहाँ पर वो देखकर और भी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन चाहता है कि अक्षरा ही मंजरिका म्यूजिक थेरेपी दे और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और ऐसा ही चमत्कार देखने को भी मिलने वाला है। अभिमन्यु इन दोनों को भड़कते हुए नजर आएगा और साथ में मंजरी को अपने मुंबई ले जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन इससे पहले ही कि वो कुछ और डिसीजन ले, अक्षरा यहाँ पर पहुंच जाती है हॉस्पिटल और इसी चक्कर में दोनों की लड़ाई होती है। और यहाँ पर उस दिन करवा चौथ का व्रत भी होता है, तो दूसरी तरफ मंजरी को होश आ जाता है और वो दोनों का ही हाथ थाम लेती है और सच्चाई जाने की कोशिश करती है। लेकिन अब मंजरी को होश आने के बाद वो मुंबई जाने से जाप इनकार कर देती है, तो दूसरी तरफ अक्षरा वहीं बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका व्रत है और अभिमन्यु ने उसके सामने काफ़ी ज़्यादा बहस कर ली है। इसके बाद ने अब यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अभिमन्यु को पता चलेगा कि आज शायद करवा चौथ का व्रत है, और उसके बाद ने यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरियाँ खत्म होती नजर आएगी और मंजरी फिर से घर लौट आएगी।